इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेंडिंग मैशीन टेक्निक, जिसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को 11 से, यहाँ सीरीज ऑफ 11 से। सीरीज ऑफ 11 का मतलब 111, 1111 एंड सो ऑन। सो बहुत इजी टेक्निक है, जिससे एक स्टेप में हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है कि 23 × 11। तो इसमें जो स्टेप वन है वो ये क्या कहता है कि जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट से एक कम होंगी। जैसे कि 23 में 2 डिजिट है और 1111 में 2 डिजिट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4। और 4 − 1 = 3, तो आंसर में जो डिजिट होंगी वो कितनी होंगी, 3। जस्ट लाइक दिस। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर मस्ट बी 1 < टोटल नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर प्लस नंबर ऑफ वंस। अब इसमें स्टेप टू ये क्या कहता है कि जो हम लोग डिजिट्स लेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो एज ए पिरामिड लेंगे। मीन्स पहली डिजिट, फिर ऐड करेंगे 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक नियम है, वो नियम क्या कहता है वो अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि लास्ट डिजिट है 3, तो 3 हमने लिख दिया सिंगल डिजिट। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग पिरामिड में एक डिजिट के बाद कितनी आती है, 2 डिजिट, तो हम लोग 2 डिजिट ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 = 23। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो कि हमें अगले क्वेश्चन में समझ में आएगी ज़्यादा, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स एडेड मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर और नंबर ऑफ वंस। इसका मतलब क्या है, 23 में भी 2 डिजिट हैं और 11 में भी 2 डिजिट हैं, तो जो मैक्स एडिशन होगा वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 + 2 एडिशन हो गया, यानी कि 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, अब फिर पिरामिड के रूप में फिर हम लोग आ जाएंगे 1 पे। तो अब 1 कौन सी डिजिट लिखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट। सो पहले हमने राइट डिजिट लिखी, फिर उसके बाद पहले राइट डिजिट लिखी, फिर उसके बाद बीच दोनों डिजिट का सम किया, फिर जो है लेफ्ट डिजिट लिख दी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 253। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 58 × 11। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4, यानी कि आंसर में डिजिट कितनी आएंगी, 3। तो राइट डिजिट क्या हो जाएगी, 8, फिर उसके बाद 5 + 8, फिर उसके बाद लेफ्ट डिजिट 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, और जो बीच में आता है 13, उसको 1 कैरी ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 638। अब थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है डिफरेंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट नंबर में कितनी है, 3, 243, लेकिन 11 में कितनी डिजिट है, 2, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हुई, 5। तो हमारे आंसर में कितनी डिजिट हो जाएंगी, 5 − 1, दैट इज 4, यानी कि 4 डिजिट का आंसर होगा। अगेन हम लोग पिरामिड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हमने 3 लिख दिया राइट में, फिर हमने 3 + 4 ऐड कर दिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पिरामिड में अब हम लोग 3 + 4 + 2 करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट 4 + 2 जाएंगे डिक्रीज। तो ऊपर में अगर स्टेप 3 आप पढ़ें तो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स एडेड मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर और नंबर ऑफ वंस। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 243 में 3 है, लेकिन 11 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2, तो हम लोग 2 ही ऐड करेंगे। तो हमने 4 + 3 ऐड कर दिया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सिक्वेंस जो है लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। तो हमने 3 ऐड किया, फिर 3 + 4 ऐड किया, 4 + 3, फिर ये सीक्वेंस क्या हुई, लेफ्ट। अब 2 + 4 ऐड करेंगे, 2 ही डिजिट ऐड करेंगे, उसके बाद पिरामिड के रूप में फिर सिंगल डिजिट। तो हमने 1 2 2 1, 2 क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2673। अब इसका रिवर्स एक ले लेते हैं। अब हमारा 111 3 बार है, लेकिन 68 2 बार है, तो अगेन टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हुई, 5। तो हमारा आंसर कितना होगा, डिजिट 5 − 1, डेट इज 4। फिर पिरामिड के रूप में हम लिखेंगे 8, फिर 8 + 6, फिर अगेन 8 + 6। अब 2 बार 8 + 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 चाहिए। तो पिरामिड में 8 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट में हमारा 6 आएगा, तो बीच में हमारे पास 2 डिजिट बचती हैं। तो 2 डिजिट और लेकिन नंबर में भी 2 डिजिट हैं, तो हम लोग इसी को ही 2 बार ऐड करेंगे। ये आगे भी इसी तरीके से होगा, अगर हम केवल 111 इंक्रीज करते चले जाएं और 68 को कॉमन रखें।
तो बीच में जितने भी डिजिट होंगे उस सब में 6+8, 6+8, 6+8 होता चला जाएगा, और लास्ट में फिर हम 6 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6, 14, 14, 8। अब ये 1, 4, हम हर डिजिट में एक ही डिजिट लिखेंगे, तो 4 रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, फिर उसमें भी 4 रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, 5, 4, 8। अब थोड़ा हायर नंबर ले लेते हैं, 243 × 11, 111। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, 6। तो हमारे आंसर में डिजिट कितनी हो जाएंगी, 5। पिरामिड से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट डिजिट 3, देन 3+4, देन 3+4+2। अब हम लोग लेफ्ट में नहीं गए क्योंकि 3 डिजिट हैं, नंबर में भी 3 डिजिट हैं, 1 में भी, तो हम लोग का समेशन जो है, पिरामिड जो है, वो 3 तक जाएगा। उसके बाद लेफ्ट में जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, 2+4, फिर 2। एक बार फिर से देख लें, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, देन डबल डिजिट लेफ्ट, फिर सिंगल डिजिट, तो ये हमारा पिरामिड हो जाएगा। और यहाँ पे 3 डिजिट तक इसलिए जाएंगे क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है, नंबर यहाँ 111 में 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26973। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या है कि 54 × 1111, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 66। तो हमारे आंसर में कितनी डिजिट होंगी, 5। पिरामिड के रूप में हम स्टार्ट करेंगे, सिंगल डिजिट 4, डबल डिजिट 4+5। फिर अब देखो क्या क्या है कि अब हमारे पास और डिजिट नहीं है, लेकिन बीच में हमें ऐड करनी है, तो अगेन हम लोग वही 4+5, 4+5 करते रहेंगे, और लास्ट में फिर हम लिख देंगे 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 59994। अब इसी का अगर हम लोग रिवर्स एग्जांपल ले लें, यानी कि डिजिट 4 है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर में 3, 5, 4, 2, लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करना, तो अगेन इसमें भी टोटल डिजिट हो गई 6। तो हमारे आंसर में डिजिट कितनी हो जाएंगी, 6-1, 5। पिरामिड के रूप में हम स्टार्ट करेंगे, 2, 1, 2+4, 2, 2+4+4। अब ये देखना है कि हमने 2+4 किया, अब हम लोग 2+4+5 करेंगे कि हम लोग 5+4 करेंगे, जैसा कि हम लोग इसमें करें। तो अब स्टेप 3 में अगेन ध्यान दीजिए, इसलिए स्टेप 3 इज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी हम ऐड करेंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी है नंबर में या 1 में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जब भी ऐड होंगी 2 ही होंगी, क्योंकि 11 में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2। तो हम लोग पिरामिड हमारा क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, 2 डिजिट ऐड की 4+2, फिर 2 डिजिट ऐड करेंगे लेकिन लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 5+4, फिर और लेफ्ट जाएंगे 3+5, फिर 3। एक बार फिर से देख लिया जाए, 2, देन 2+4, देन 5+4, देन 3+5, देन 3। ये अंतर है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। फिर से पिछला क्वेश्चन चेक किया जाए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, 54 को ही बार बार ऐड कर रहे थे, मीन्स 5+4, 5+4, 5+4। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास डिजिट है नंबर में, तो हम लोग राइट से लेफ्ट चलते चले जाएंगे और लास्ट में एक सिंगल डिजिट लीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38962।